बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दी टाइम डायमेंशन इन रिसर्च। टाइम डायमेंशन इन रिसर्च, अवेयरनेस ऑफ टाइम जो है रिसर्चर को हेल्प करती है कि वो रीड करे और रिसर्च जो है कंडक्ट करे, जिसमें डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन, डिफरेंट रिसर्च इश्यूज़ को जो है विद इन द टाइम, डिफरेंट टाइम बेस से जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिंगल पॉइंट इन टाइम, जिसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं, मतलब वन टाइम में जो है वो रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है। जबकि दूसरी जो है सिंगल पॉइंट इन टाइम वर्सेस मल्टीपल टाइम पॉइंट्स। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है वो सिंगल पॉइंट इन टाइम है, सिंगल पॉइंट में है, वन टाइम में वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है। जबकि मल्टीपल टाइम में जो रिसर्च की जाती है, मल्टीपल टाइम पॉइंट्स में जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, उसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। उसे जो है जो मल्टीपल टाइम में जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर रिसर्चर जो होता है वो वन टाइम में, वन पॉइंट में जो है वो ऑब्जर्व करता है रिस्पोंडेंट्स को। अपना डाटा जो कलेक्ट करता है वो वन टाइम में रिसर्च करता है। जबकि ये क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च है वो यूजुअली सिंपल भी होती है, सिंपलेस्ट भी है, और कॉस्ट भी इसमें जो है वो कम पड़ती है। रिसर्चर के जो एक्सपेंसेस हैं इसमें जो है, इस रिसर्च के अंदर रिसर्चर के एक्सपेंसेस जो है वो कम लगते हैं, पैसे जो है वो ज़्यादा जो है इसमें नहीं लगते रिसर्चर के। इसका जो सबसे बड़ा और मेन जो डिसएडवांटेज है क्रॉस सेक्शन रिसर्च का, वो तमाम सोशल प्रोसेस को, या जो जो सोशल चेंज है, जब चेंज आता है तो उसको जो है ये कैप्चर नहीं करती। ये इसका डिसएडवांटेज है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का जो है ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये उसका एडवांटेज है कि जो सोशल प्रोसेस है या चेंज है जो, उसको भी कैप्चर करती है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम के अंदर रिसर्च हो रही है। ये वन टाइम में, सिंगल टाइम में रिसर्च होती है, तो इसलिए ये चेंज के जो एस्पेक्ट है उसको कवर नहीं कर सकती। ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है क्योंकि सिंगल टाइम में होती है। जबकि जो दूसरी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो मल्टीपल टाइम में होती है, तो वो चेंज के एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करती है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर रिसर्चर जो होता है वो लोगों को या यूनिट्स को, जिनको वो एग्जामाइन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो एक से ज़्यादा टाइम में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है वह उनको एग्जामाइन आज का करता जो है। टॉपिक है हमारा ये वो यूजुअली ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर आज टू का तो जो क्रॉस टॉपिक है सेक्शनल रिसर्च, हमारा वो है दी जबकि ये टाइम ज़्यादा पावरफुल डायमेंशन भी है। इन और रिसर्चर रिसर्च, जो है इसमें जो टाइम सोशल चेंज डायमेंशन इन का रिसर्च, जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें ज़्यादा आंसर को जो है वो देखता है, क्योंकि इसमें अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल टाइम टाइम जो के अंदर जो है है रिसर्चर जो रिसर्चर है वो को डेटा हेल्प जो करती है है कलेक्ट करता है, कि वो तो रीड इसलिए करे इसमें जो और है रिसर्चर रिसर्च के जो को है जो है ये कंडक्ट बेनिफिट करे, मिलता है, ये एडवांटेज मिलता है जिसमें डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन, कि उसका डाटा जो है रिसर्च ज़्यादा डिफरेंट करेक्ट रिसर्च होता है। लेकिन इश्यूज को इसका जो ये है है ये विद इन कॉम्प्लेक्स दी भी है और टाइम कॉस्टली डिफरेंट भी टाइम है। बेस से जो है वो क्रॉस इसको सेक्शनल रिसर्च इनकॉर्पोरेट ये थी, करते हैं। सिंगल टाइम के अंदर जो है क्वांटिटेटिव रिसर्चर रिसर्च से कंडक्ट कंडक्ट कर रहा दो था ग्रुप्स में डिवाइड वो किया सिंपल गया भी है, थी, और लेस कॉस्टली क्वांटिटेटिव भी थी। लेकिन रिसर्च इसके को अंदर जो है दो ये ग्रुप्स कम्प्लेक्स भी में है डिवाइड किया गया और है। ज़्यादा जो है एक कॉस्टली है भी है। इसमें सिंगल रिसर्चर पॉइंट इन के जो जो टाइम एक्सपेंसेस हैं जिसे वो ज़्यादा क्रॉस लगते सेक्शनल हैं, रिसर्च कहते हैं,
लॉन्गिट्यूडनल मतलब रिसर्च वन की टाइम जो पे है जो है वो थ्री टाइप्स रिसर्च जो हैं। है कंडक्ट की जाती है, नंबर जब वन तक है जो थ्री जो है है सीरीज सिंगल पॉइंट इन टाइम टाइम सीरीज वर्सेस रिसर्च, मल्टीपल टाइम पॉइंट्स। जो टाइम क्रॉस सीरीज सेक्शनल जो है रिसर्च है लॉन्गिट्यूडनल वो स्टडी के सिंगल अंदर पॉइंट पॉइंट इन इन टाइम टाइम है, रिसर्च के सिंगल अंदर पॉइंट में है, एक ए टाइम वन टाइप टाइम में वो रिसर्च रिसर्च है, जो है वो सेम कंडक्ट की टाइप ऑफ जाती है, इंफॉर्मेशन जो है जहाँ पे जबकि रिसर्चर जो है कलेक्ट मल्टीपल करता मल्टीपल है टाइम में एक जो ग्रुप रिसर्च से ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल पीपल से जो है मल्टीपल टाइम इंफॉर्मेशन पॉइंट्स कलेक्ट में जो करता रिसर्च है। कंडक्ट की जाती है या उसे और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च रिसर्च कहते कहते हैं हैं, वो मल्टीपल टाइम के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहा होता उसे है। जो है जो मल्टीपल टाइम में जो ये रिसर्च इंफॉर्मेशन कंडक्ट जो है की उसके जाती लिए है उसे यूजफुल होती हम है। फॉर एग्जांपल वो लॉन्गिट्यूडनल एक रिसर्च कहते हैं। ग्रुप ऑफ कस्टमर से जो है एक कंपनी की प्रोग्रेस से सबसे मुतल्लिक पहले जो जो है है वो हम बात रिसर्च कर करते रहे हैं हैं तो क्रॉस उसके लिए जो सेक्शनल है ये रिसर्च यूजफुल होती की, है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के एक अंदर वन मिनट रिसर्चर जो होता है वो वन मैं टाइम में वन आपको पॉइंट में जो है कोहार्ट के वो बारे ऑब्जर्व में करता कोहार्ट स्टडी है के बारे में बता रहा रिस्पोंडेंट था जो को इसकी अपना टाइप डाटा है, जो कलेक्ट करता है टाइम वो सीरीज वन के अंदर टाइम में में। टाइम रिसर्च सीरीज करता जो है डाटा कलेक्शन होता है जबकि जिसमें ये क्रॉस टू सेक्शनल जो ऑब्जर्वेशन जो रिसर्च है है वो डेटा जो है यूजली वो रिसर्चर सिंपली ले भी रहा होता सिंपल है, भी होती है, इसमें सिंपलेस्ट रिपीटेड भी मेजरमेंट है होते हैं क्योंकि आप और डिफरेंट टाइम कॉस्ट के भी अंदर इसमें जो जो है है वो कम पड़ती डेटा है, जो है कलेक्ट कर रिसर्चर रहे के जो होते हैं एक्सपेंसेस और हैं वो इसमें जो डेटा जो है है आप डिफरेंट इस टाइम के अंदर रिसर्च के जब कलेक्ट अंदर करते हैं रिसर्चर के एक्सपेंसेस जो है वो जब कम होते डिफरेंट हैं, टाइम के अंदर जो है वो पैसे जो है डेटा वो आपको ज़्यादा कलेक्ट जो है करते इसमें, हैं नहीं तो लगते रिसर्चर आप के, जो आपके पास जो डेटा आता है थ्रू इसका जो ऑब्जर्वेशन आता सबसे है बड़ा जो चेंज का जो एस्पेक्ट्स है एडवांटेज उसमें जो है है आप क्रॉस उसको जो सेक्शन है रिसर्चर रिसर्च जो है वो का कवर कर रहा होता है, वो क्योंकि इसमें जो तमाम है आप सोशल मल्टीपल प्रोसेस टाइम के को अंदर जो है या जो डेटा जो है वो जो कलेक्ट सोशल कर रहे चेंज होते हैं। है जब चेंज आता है तो उसको जो है ये कैप्चर नहीं करती, क्लियर? ये इसका डिसएडवांटेज है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का जो है ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये उसका एडवांटेज है कि जो सोशल प्रोसेस है या चेंज है जो उसको भी कैप्चर करती है, क्योंकि वो मल्टीपल ओके टाइम के okay. अंदर रिसर्च हो रही है, ये वन टाइम में सिंगल टाइम में रिसर्च होती है, टाइम तो सीरीज के इसलिए अंदर, ये टाइम चेंज सीरीज के के जो अंदर टाइम एस्पेक्ट सीरीज है रिसर्च उसको के कवर अंदर नहीं जो कर है सकती, ये इसका आप डिसएडवांटेज बन जाता है, डेली क्योंकि सिंगल टाइम में एंड होती दिया, डेटा होता है जबकि उसमें जो टेली दूसरी ट्रैकिंग भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल आवरली भी भी होती होती है, है, वो मल्टीपल वीकली टाइम भी में होती होती है, है, फॉर एग्जांपल तो आपको वो चेंज वेदर के से मुतल्लिक जो एस्पेक्ट्स है को जो है डाटा वो जो है कवर कलेक्ट करती कर है रहे हैं मौसम से मुतल्लिक, तो वो आपकी डेली ट्रैकिंग भी हो सकती है, आवरली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है। ये ट्रैकिंग जो है उसके बाद है उसकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, उसकी ट्रैकिंग जो है वो चेंज होती है, उसकी परफॉर्मेंस जो है लॉन्गिट्यूडनल वो चेंज हो रिसर्च के सकती है, अंदर क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चर जो होता परफॉर्मेंस है चेंज होगी आप, क्योंकि मल्टीपल टाइम के अंदर जो है वो उसका डाटा जो है लोगों वो को कलेक्ट को कर रहे या होते हैं, यूनिट्स को जिनको वो एग्जामाइन कर ठीक रहा है है, ऑब्जर्व कर रहा है और जहां डेटा पे आप, कलेक्ट कर रहा इसके है एग्जाम्पल ये हैं वो एक कि से वेदर ज्यादा रिकॉर्ड्स टाइम्स में जो है इकोनॉमिक वहां इंडिकेटर उनको एग्जामाइन करता और है, ये यूजुअली किसी ज़्यादा पेशेंट कॉम्प्लेक्स की होती आप है, हेल्थ हेल्थ के केयर बारे टू में भी इससे क्रॉस मुतल्लिक जो है सेक्शनल वो डाटा रिसर्च, जो है ये ले सकते हैं, जबकि तमाम ये ये ज़्यादा तमाम पावरफुल पावरफुल भी भी है है और और रिसर्च रिसर्च डेटा डेटा होता होता है, है, क्योंकि क्योंकि मल्टीपल इसमें टाइम्स के अंदर जो है आप जो सोशल सोशल चेंज चेंज कलेक्ट कर रहे हैं का जो एस्पेक्ट्स उसमें हैं इसमें ज़्यादा आंसर आप को जो है वो किसी देखता है, क्योंकि इसमें पेशेंट मल्टीपल का अगर टाइम के डाटा अंदर जो लिया है है रिसर्चर तो जो है वो उसके डेटा जो इकोनॉमिक है इंडिकेटर भी कलेक्ट आप करता है, को पता तो इसलिए चल इसमें सकते जो है हैं, रिसर्चर के उसकी को हेल्थ जो है के ये अंदर बेनिफिट मिलता है जो या जब वो एडवांटेज मिलता पेशेंट है था और जो मरीज था कि उसका डाटा उसके जो है ऊपर ज़्यादा जो कलेक्ट क्या होता है, कंडीशन लेकिन थी इसका ये है विद द ये पैसेंजर कॉम्प्लेक्स ट्रेन भी जब है और उसके कॉस्टली अंदर भी भी है, वो है, क्या चेंज आया है क्रॉस वेदर सेक्शनल रिकॉर्ड रिसर्च भी ये इसके थी अंदर जो है वो आप सिंगल कह टाइम के सकते अंदर हैं। जो है टाइम रिसर्चर सीरीज उसे डाटा जो कंडक्ट कर है रहा था इसके वो सिंपल भी थी अंदर परफॉर्मेंस लेस मॉनिटर भी कर कॉस्टली भी सकते थी, हैं, लेकिन नेटवर्क इसके अंदर डाटा जो होता है ये है, कॉम्प्लेक्स सेंसर भी डाटा है होता है जहाँ पे और आप ज़्यादा इवेंट्स को जो जो है है कॉस्टली भी है, इसमें इवेंट्स को रिसर्चर जो है के जो स्टडी कर रहा चांसेस होता है हैं रिसर्चर वो ज़्यादा लगते हैं। सेकेंड जो टाइप है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की रिसर्च की जो है टाइम थ्री सीरीज के टाइप्स हैं, अंदर सॉरी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर नंबर वो वन है है पैनल स्टडी, टाइम सीरीज पैनल रिसर्च स्टडी ऑब्जर्व, टाइम सीरीज जो है लॉन्गिट्यूडनल पैनल स्टडी स्टडी जो के है अंदर, एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूडनल सेम रिसर्च के ग्रुप को अंदर सेम पीपल्स को एक सेम टाइप आर्ग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन को को जो जो है है मल्टीपल सेम टाइप टाइम ऑफ के अंदर जो है इंफॉर्मेशन वो जो है ऑब्जर्व ऑब्जर्व करती करती है, है, रिसर्चर जो है कलेक्ट करता है मल्टीपल टाइम्स एक के ग्रुप अंदर से ग्रुप ऑफ पीपल इनको से जो जो है है वो वो ऑब्जर्व करती इंफॉर्मेशन है, इनसे कलेक्ट जो है वो करता है, डाटा जो डाटा है कलेक्ट किया या जाता और है, ये जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो वो कलेक्ट कलेक्ट करता करता है है वो पर्टिकुलर है, मल्टीपल टाइम के पर्टिकुलर अंदर जो है रिसर्च ये डिज़ाइन इंफॉर्मेशन है जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो के कलेक्ट अंदर कर रहा होता है, जहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिक है उसके इंटरवल लिए के यूजफुल बाद होती है, एक फॉर और एग्जांपल लॉन्ग लॉन्ग पीरियड पीरियड के के लिए लिए जो जो है है आप आप डाटा डाटा कलेक्ट कलेक्ट करते ग्रुप हैं, ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक से जो इंटरवल है होता एक है, एक कंपनी ब्रेक के होता है उसके प्रोग्रेस बाद से जो है मुतल्लिक आप जो जो है है वो इसमें रिसर्च डाटा कर रहा कलेक्ट है, कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो है कि ये यूजफुल फीचर्स हैं होती है, पैनल क्योंकि स्टडीज के एक अंदर वो ये है वन कि मिनट प्लीज आप डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो मैं उसे आप आपको मेजर भी करते हैं,
और कलेक्ट भी करते हैं, सेम सैंपल होता है डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के अंदर जो आप डाटा जो है टाइम सीरीज के अंदर जो है रिपीटेड डाटा भी इसके अंदर जो है वो आया जिसमें मोस्टली जो पैनल स्टडीज होते हैं वो डिजाइन की जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जिसमें रिपीटेड मेजरमेंट होते हैं डाटा आप डिफरेंट टाइम के अंदर लेते हैं क्वांटिटेटिव डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो डाटा जो है आप डिफरेंट टाइम के अंदर कलेक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें आप जो है डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा आप कलेक्ट करते हैं तो आप जो आपके पास जो डाटा आता है जो ऑब्जर्वेशन आता है जो किसी चेंज का जो एस्पेक्ट है उसमें जो है आप उसको जो है रिसर्चर जो है वो कवर कर रहा होता है लेना होता है क्योंकि इसमें जो है आप मल्टीपल टाइम के बाद जो है डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। कोहार्ट एनालिसिस जो है वो एक कैटेगरी ऑफ पीपल को जो है सिमिलर जिसके लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उनको ऑब्जर्व करता है। क्वार्ट एनालिसिस जो है ऑब्जर्व करता है एक कैटेगरी ऑफ पीपल को ग्रुप ऑफ पीपल को जिनके सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस सीरीज के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर टाइम सीरीज रिसर्च के अंदर जो है आप क्वार्ट एनालिसिस जो है वो यूजफुल है जब आप अर्ली भी होती है किसी कंपनी की प्रोग्रेस को आप जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं डाटा जो है किसी कंपनी की प्रोडक्ट से मुतालिक जो है आप डाटा जो है वो ले रहे होते हैं तो वो आप डेली ट्रैकिंग परफॉर्मेंस से मुतालिक जो है आप डाटा ले रहे होते हैं आप प्रॉब्लम ट्रैकिंग जो है उसकी जिसमें आप कस्टमर ट्रैकिंग जो है वो चेंज होती है सैटिस्फेक्शन को देख रहे होते हैं जो है वो चेंज हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे परफॉर्मेंस चेंज होगी और क्योंकि मल्टीपल टाइम के अंदर स्ट्रेटजीज जो है आप इसमें कलेक्ट कर रहे होते हैं आप जो डिजाइन बनाते हैं रिसर्च डिजाइन बनाते हैं इसमें और जहाँ पे आप इसके एग्जांपल ये हैं कि वेदर रिकॉर्ड अब मैं आपको ये बताता हूँ क्वार्ट एनालिसिस है और क्वार्ट एनालिसिस जो है एक किसी पेशेंट के बिहेवियर हेल्थ के बारे में है मतलब जो है वो डेटा है प्राइमरीली जो है आप ये तमाम जो है टाइम सीरीज डेटा होता है कस्टमर जो मल्टीपल टाइम से रिलेटेड डेटा जो है वो जो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट या उसमें आप उनका जो है वो डेटा लेते हैं पेशेंट का अगर डाटा लिया है एनालिटिक टूल होता है जो हर बिजनेस ओनर भी आप यूज करता है ताकि अपनी कंपनी हेल्थ के अंदर जो पेशेंट था जो मरीज था हार्ट उस वक्त जो है क्या कंडीशन थी टाइप ऑफ बिहेवियर एनालिटिक्स के अंदर जो है वो क्या चेंज है वेदर रिकॉर्ड भी इसके अंदर जो है वो आप का ओनर जो है टाइम सीरीज डाटा जो है कस्टमर की इसके अंदर जो उनकी प्रोडक्ट को मॉनिटर भी कर सकते हैं नेटवर्क डाटा होता है अंडरस्टैंडिंग डाटा होता है जहां पे आप इवेंट्स को जानने के लिए बिजनेस इवेंट्स को जो है स्टडी कर रहा होता है उसको जो है वो यूज करते हैं ताकि सेकंड जो टाइप है रिसर्च जो है टाइम सीरीज के अंदर